नवरात्रि के चलते गरबा सेलिब्रेशन का आयोजन गुजरात भर में हो रहा है। आप दृश्य में भी देख सकते हैं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा अलग अलग पंडालों में जो युवा प्रवेश कर रहे हैं उनको तिलक लगाकर एंट्री दी जा रही है। साथ ही में जो युवक प्रवेश कर रहे हैं उनका आई कार्ड भी जांचा जा रहा है। जिस प्रकार से बीते कुछ दिनों पहले वीएचपी की तरफ से ऐलान किया गया था, बजरंग दल की तरफ से ऐलान किया गया था कि गरबा पंडालों में किसी भी विधर्मी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, तमाम आयोजक भी इस बात का ख्याल रखें कि कोई भी विधर्मी पंडालों में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मां की आराधना का ये जो 9 दिन रहता है इसमें किसी भी प्रकार की मुसीबतों का सामना किसी को ना करना पड़े, इसका ख्याल आयोजकों द्वारा भी रखा जाए। फिलहाल जिस प्रकार की परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं उसको देखते हुए वीएचपी और बजरंग दल की तरफ से खास करके तमाम जो लोग अलग अलग पंडालों में प्रवेश कर रहे हैं उनसे जय श्री राम बोलकर तिलक उनके सिर पर लगाया जा रहा है, उसके बाद उनका आईडी प्रूफ जांचा जा रहा है, फिर प्रवेश दिया जा रहा है। हमारे साथ हीरेन जी बजरंग दल की तरफ से हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। हीरेन जी, कहीं ना कहीं लोग फिलहाल तो सपोर्ट करते दिखाई पड़ रहे हैं, पर अगर कोई तिलक लगाने से मना भी करता है तो क्या करेंगे आप? सभी लोग आएंगे तो हिंदू ही आएंगे, आज तक किसी ने मना नहीं किया, सभी लोगों ने सहयोग ही किया है और सभी लोगों ने बोला ये काम बहुत ही अच्छा है। पिछले कुछ सालों से नवरात्रि का लाभ लेके जिहादियों मेरी भोली भीली हिंदू बहनों को फंसाने का लव जिहाद में षड्यंत्र कर रहे हैं, लव जिहाद का बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए बजरंग दल ने मुहिम उपाड़ी है, विधर्मी के सिवा विधर्मी इस नवरात्रि पंडाल में माता अंबे का पंडाल में नहीं आना चाहिए, इसलिए बजरंग दल ने आईडी प्रूफ चेक करने का और तिलक करने की मुहिम उपाड़ी है जिस तरह से लव जिहाद के केस कम कर सके। अच्छा, अगर कोई विधर्मी आता है या किसी के पास आईडी प्रूफ नहीं है तो क्या करेंगे? किसी के पास आईडी प्रूफ नहीं हो तो उसको हम पूछते भाई तू हिंदू है तो दो तीन सवाल पूछते, वो बोले सही तो हम उसको जाने देते, वो कोई विधर्मी आता है तो बजरंग दल को वो पहला समझाने का प्रयास करते और नहीं समझे तो बजरंग दल की तो भाषा सबको पता ही है, बजरंग दल कैसे जवाब देता है वो ऐसे कार्य बजरंग दल करता है। तो नवरात्रि फिलहाल चल रही है और गरबा का सेलिब्रेशन समग्र गुजरात में हो रहा है, पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से अलग अलग जो पार्टी प्लॉट हैं, क्लब है, वहाँ पे पहुँचा जा रहा है और साथ ही में जो भी युवक युवतियाँ पंडालों में प्रवेश कर रहे हैं उनके सिर पर तिलक लगाया जा रहा है, उनका आईडी भी मांगा जा रहा है। साथ ही में कहा जा रहा है कि अगर कोई विधर्मी प्रवेश करेगा तो उसको समझाया जाएगा, प्रवेश उनको नहीं दिया जाएगा। अहमदाबाद से प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक।